यहाँ पर नाजमा बचाव किया है रेमन लकड़ा ने। बेहतरीन रक्षापंथी के खिलाड़ी गलत तरीके से रोका लाल को, क्रॉस आता हुआ बहुत ही शानदार प्लेसिंग। ये क्या शानदार मूवमेंट तैयार किया था भाई मुंडा ने, एक गोल भी किया और एक असिस्ट भी किया है, और क्या शानदार असिस्ट किया है। मैं क्रिकेट का नजारा पेश करते हुए हमारे अध्यक्ष महोदय भैया खुद आज जिम्मेदारी संभाली है, काफी परेशान रहते हैं इस टूर्नामेंट को सफल करने के लिए, वो अपनी टीम के साथ पूरी टीम के लोग वहां पर जा रहे हैं। प्लीज हमारी बातों को समझे, हमारी मजबूरी को समझे, और आप लोग खुद से थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए लीजिए। आप लोग खेल की शुरुआत हो चुकी है, बाबा के पास बॉल, बिल्कुल रोनाल्डो के अंदाज में आज बाबा उतरे हैं, कोई इनका बाल भी पका नहीं कर सकता बाबा। लेकर आगे बढ़ते हुए चंदन नायक, नितेश सुंदर कवरिंग, समरा मुंडा ने बॉल को क्लियर किया है लेकिन बॉल आई है विपक्षी टीम के खिलाड़ी, नितेश का क्लियरेंस आता हुआ, अच्छा मौका यहाँ पर रेमन बाहर आए थे, यहाँ पर मंजित करमाली जरूर है क्रॉस करना चाहते थे, काफी बाहर मार बैठे और एक बेहतरीन मौका गंवाते हुए बहुत ही शानदार पास। सोमरा मुंडा एक बड़ा नाम फुटबॉल के क्षेत्र में, बॉल को आगे बढ़ाया है सुमित के लिए, काफी लंबी दौड़ लगाई है सुमित ने, बिल्कुल स्पर्श रेखा के सामने जाकर नियंत्रण करने की कोशिश थी। नितेश के पास बॉल है, काफी गलत साइड टर्न कर बैठे नितेश, क्रॉस किया था और गोल किक किया सर लक्ष्मीकांत, रोहित बाबा के लिए बॉल बढ़ाया है, क्रॉस आता हुआ कवरिंग किया वहां पर, फाउल की मांग थी नकारा है अर्जुन उरांव ने, और गोल कर आगे बढ़ते हुए जर्सी नंबर 12 चंदन नायक रोला, गोल को निकालने में सफलता जरूर मिली लेकिन नियंत्रण नहीं रख पाए, बैलेंस नहीं रख पाए, और बॉल फिलहाल बीमल के पास, माफी चाहूंगा समरा मुंडा वहां पर थे। अरे भैया लोग गंदा मत बोलो, रिटर्निंग हटाया था सीधे लक्ष्मीकांत के पास बॉल, बाबा गजब का नियंत्रण है इन खिलाड़ियों का, और ये एक दिन की बात नहीं है, किस्मत कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं बल्कि इसको रोज रोज लिखना पड़ता है अपनी मेहनत से अपने पसीने से। सुमित के लिए बॉल को बढ़ाया था लेकिन बीच में वहां पर क्लियर किया गया, सुमित खान का ये पास सुमित के लिए, वापस सुमित के पास बॉल आई थी, बॉल को क्लियर किया गया, बाबा समरा मुंडा
गोल तो बढ़ाया जरूर, लेकिन बहुत दूर रह गए लक्ष्मीकांत। सिल्वा गोल करके गोल के साथ आगे बढ़ते हुए सिल्वा, चंदन नायक सचिन बल्लभन ने बॉल को बढ़ा दिया। रोलांड के लिए विदेशी खिलाड़ी तो दूसरे विदेशी खिलाड़ी हैं इस टीम के, इसे चंदन नायक के पास लक्ष्मीकांत सहारन बिरवा पिंटू राम क्लियर करना चाहते थे, वहां पर विमल है, विमल ने हेडर के जरिए बॉल को क्लियर किया है। बहुत ही शानदार डिफेंसिव सुमरा मुंडा के द्वारा, बिल्कुल मार करके रखे हुए रोनाल्ड को। ललित और ललित का ये पास सुमित के लिए, खेला खेला सुमित, शानदार स्किल, सुंदर पास रोहित के पास बॉल है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए रोहित, बॉल जरूर बढ़ाया लेकिन गोलकीपर वहां पर तैयार थे अंशु मुंडा। फिर से बाबा के पास यहां पर निशाना हो सकता है, काफी विलंब कर बैठे बाबा और निशाना भी। सुंदर क्रॉस आता हुआ, यहां पर हेडर जमाने की कोशिश थी, जर्सी नंबर 11 की थोड़ी सी चूक हुई, ऊंचाई को भाप नहीं पाया, बॉल निकल गई। तब तक रेमन लगड़ा ने बॉल को क्लियर कर दिया और वहां पर उपेंद्र हजाम बॉल के साथ अपने साथियों को तलाशते हुए। ललित मंजी गलत कर बैठे, देखना होगा कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है यहाँ पर। जर्सी नंबर 11 किक लगाना चाहते थे, पूरी तरह से किक नहीं लगा पाए, अभी भी खतरा टला नहीं है। यहाँ पर एक और मौका, तारीफ करनी होगी मंजीत की, ब्लॉक किया उनको। ऑन द लाइन, ऑन द लाइन का इशारा किया, बिल्कुल ऑन द लाइन में थी बॉल। ललित भागम का ये किक सीधे सुमित के लिए, सुमित सुंदर सूझबूझ का यहां पर बड़ी गलती कर बैठे हैं, देखना होगा क्या होता है। और ये देखिए बड़ी गलती की थी करमाली ने, मजीद करमाली ने कोई भी गलती नहीं किया वहां पर, और आसानी के साथ रेमन को बीट कर दिया है। पर देखना होगा इस बार क्या होता है, राणा चाहते थे वहां पर ब्लॉक किया पिंटू ने, बाबा के पास बॉल आई थी वापस किया बाबा ने, लेकिन वहां पर बिल्कुल तैयार थे पिंटू। रोलांड के पास फिलहाल बॉल आई चिटक कर, दो दो खिलाड़ियों को यहां पर मार कर दिए थे, लेकिन रोका वहां पर बाबा ने घर बाघम। और यहां पर सोमरा मुंडा नीचे लग गई थी कि मौका था, लेकिन काफी लंबे गत के हैं सिल्वा, बोल में सफलता मिली उन्हें। बाबा का सुंदर कवरिंग, क्रॉस आता हुआ यहाँ पर, और ये देखिए मौका था वहां पर सुमित के पास, आता हुआ इधर चंदन नायक, और अच्छा नियंत्रण किया है सुमित ने भी, सुंदर कवरिंग दिखाया काफी तेज गति के साथ वहां पर। फिर से बाघम इस बार बैलेंस नहीं कर पाए आपको, हालांकि क्रॉस किया है, फिर से बैक बॉल ही लगाने की कोशिश थी वहां पर सुमित की। बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ते हुए बॉल को बढ़ा दिया बाघम के लिए टाइगर को, वो मौका भी बेकार जाता हुआ। प्रयास लगातार जारी है, रोला आगे बढ़ना चाहते थे, उनको ब्लॉक किया उपेंद्र हजाम ने, गलत पास कर बैठे हैं यहाँ पर सोमरा मुंडा। फिर के पास बोल रोनाल्ड
आसानी के साथ क्लियर किया सम्राट मुंडा ने, किंतु है यहाँ पर कोई खतरा। लेट्स फुटबॉल, सुमित के पास बॉल, फिर वाह मैं मंच पर आने के लिए आग्रह करता हूं आदरणीय श्री जोसेफ टिग्गा, प्रशिक्षक सेंट जॉन्स फुटबॉल एकेडमी, प्लीज आप मंच पर आ जाए सर। जोसेफ टिग्गा, चंदन नायक, यहाँ पर एक एकल प्रयास था जैसे नंबर 9 का, लेकिन काफी बाहर ये प्रयास। दूसरे हाथ धीमन और शर्माली के बीच से, लेकिन सफलता नहीं मिली। और फिलहाल रोहित के पास बॉल थी, छोर से काफी तेज गति के साथ आगे बढ़ते हुए नितेश बैकहिल किया है बॉल को सुमित के लिए। बाबा का ये क्रॉस आता हुआ, लेकिन ऊंचा खेलोगे तो फिर पार नहीं पाओगे। सिलवा वहां पर तैयार है, चंदन नायक, संजीव, सुमित का ये गलत पास था, हालांकि वापसी जरूर की ब्लैक टाइगर ने, लेकिन सीधे लाजवाब बॉलिंग देखने को मिली यहाँ पर सिल्वा के द्वारा। कमाल के खिलाड़ी, लंबा फ्री किक, मोहन माझी के शरीर से रिफ्लेक्ट होकर बिल्कुल टच लाइन की ओर गई है दाहिने छोर पर। बाबा क्रॉस करना चाहते थे, पूरी तरह से किक नहीं जमा पाए। चंदन नायक बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, अभय मुंडा बहुत ही शानदार स्किल, लेकिन वहां पर गलत तरीके से। पास कर बैठे अभय मुंडा के पास बॉल, अभय ने बॉल को बढ़ा दिया। चंदन नायक मोहन माझी के पास खेला, चंदन नायक, संजीव, संजीव के पास बॉल, रोला विद बॉल टैकल था, ये प्ले ऑन का इशारा अर्जुन राव के द्वारा। के बीच में जो मैच हुआ था काफी शानदार मैच था वो भी, लेकिन ये मैच ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बॉल को निकालने में यहाँ पर कामयाबी मिली, दूर से ये किक, बॉल लाइन की ओर जा रही थी, रेमन लकड़ा बाहर गए, कलेक्ट किया है रेमन लकड़ा ने। अभय मुंडा, सिल्वा, हाँ यहाँ पर लाजवाब बचाव किया है रेमन लकड़ा ने। सिल्वा बॉल को क्लियर किया, संजीव बॉल के साथ आगे निकलते हुए, और रोलांड खड़ा रह गए। बहुत ही अच्छा पास निकाला था संजीव ने,
विमल के पास बॉल, समरा मुंडा काउंटर कराने की कोशिश की लेकिन पिन बॉल को क्लियर किया, काफी ऊपर गई है बॉल, छोटू का हेड आता हुआ, राकेश वहां पर दौड़ लगाई है, सिल्वा और राकेश के बीच में यहां पर जंग, काफी छोटे पड़ गए राकेश, गलत दिशा में यह बॉल भेज दी विमल ने, जीतू मुंडली फिर से आगे बढ़ते हुए, चंदन नायक अभय मुंडा बहुत ही शानदार बॉल निकाला है पप्पू के लिए, क्या करते हैं यहाँ पर पप्पू, गलत साइड में टर्न ले लिया, बॉल को बहुत ही अच्छी तरह से निकाल लिया था पप्पू ने, फिर से खेंट मारना चाहते थे और फंस गए वहीं पर, मंजीत ने बॉल को क्लियर किया, रोहित शानदार बाई साइकिल शॉट के द्वारा यहाँ पर क्लियर किया हुआ, सिल्वा अभय मुंडा सुमित बहुत ही शानदार पास सुमित के द्वारा पप्पू के लिए, फिर से पप्पू आगे बढ़ते हुए दाहिने छोर से यहां पर एक रणनीति बनाते हुए, काफी विलंब कर बैठे पप्पू, बॉल निकाला जरूर लेकिन नियंत्रण के अभाव, आगे बढ़ते हुए बॉल को लेकर बहुत ही सुंदर पास ललित के लिए, और यहां पर क्रॉस आता हुआ बहुत ही शानदार प्लेसिंग, ये गोल, क्या शानदार मूवमेंट तैयार किया था भाई मुंडा ने, एक गोल भी किया और एक असिस्ट भी किया है, और क्या शानदार असिस्ट किया है, इस बार काफी कमजोर टीक थी, रेमन लकड़ा बिल्कुल लाइन में थे, सेलेक्ट किया और गोल को बढ़ा दिया अमित के लिए, काफी दिनों बाद हम दिल को खुश करने वाला ये मैच, ये प्रदर्शन देख रहे हैं दोनों टीमों के बीच में, हार जीत अपनी जगह है, उम्दा फुटबॉल का प्रदर्शन यहाँ पर निर्मल ब्रदर्स और ब्लैक टाइगर्स दोनों ही टीमों ने किया है, छोटू ललित का ये क्रॉस लेकिन ऊंचा खेलने पर वहां पर सिल्वा को पार पाना बहुत मुश्किल, और फिर से क्रॉस आता हुआ, इस बार हालांकि बीच हो गए थे सिल्वा लेकिन बॉल काफी आगे निकल गई है, बिल्कुल बाएं चौक पर कॉर्नर फ्लैग के सामने नियंत्रण किया बॉल को, बाघम गलत पास, बाघम सुंदर कवरी विमल और फिर से सिल्वा, बॉल तो घर होते उठने लक्ष्मीकांत ने बॉल जरूर बढ़ाया था, काफी तेज वहां पर टैकल किया सिल्वा ने, बॉल को क्लियर किया, गोल आया है अभय के पास और एक शानदार बॉल बढ़ाया अभय ने, फिर से देखना होगा पप्पू इस बार क्या करते हैं, उम्दा खिलाड़ी है पप्पू, राकेश वहां पर आए बॉल को निकाल लिया, छोटू कहीं तो साइड ले कूदवाओ ना यार, अंतिम समय में बिल्कुल आक्रामक खेल दिखाना होगा ब्लैक टाइगर को, वापसी करने के लिए दो गोल से पिछड़ रही थी और गोल बढ़ाया वहां पर बाघम है, सिंधवा ने बॉल को क्लियर किया, बारा 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 और इसी